टेली टॉक आज मेरे ग्रीन रूम में है एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है मेरे लंच बॉक्स में, यू नो लंच का जो पिटारा होता है जो मम्मी लेकर आती है, सी वन सी. सो ये है मेरी मम्मा. माई मॉम इज़ योर. हाय मम्मा. तो मम्मा गेट्स दिस लंच बॉक्स मेरे लिए. दिस इज़ एक्चुअली फुल बास्केट जो मैं पूरे दिन का होता है, क्योंकि 12 आवर्स हम शूट करते हैं और मेरे को कुछ सेट का नहीं खाना पसंद है, क्योंकि आई थिंक मेरी जो मनपसंद चीज़ें हैं एंड जो भी चीज़ें हैं शायद. अच्छा बाप रे. तो ये है मेरा लंच बॉक्स. एक्चुअली ये है मेरा पूरे दिन का बास्केट जिसमें यू नो लंच भी होता है एंड देन शाम के जो 4 to 5 के बीच में जो भूख लगती है वो टाइम शाम पे और फिर रात के लिए भी जितना हम जितनी देर शूट करते हैं तो मम्मा लेकर आती है ये बास्केट. एंड ये मेरा सिपर, मेरा फेवरेट सिपर, मेरे दोस्तों ने गिफ्ट किया अभी जस्ट 2 days बैक. एंड मम्मा आज मेरे लिए मैंगो मिल्क शेक लेकर आई है. इसमें इट्स वेरी यम्मी. मैंगो मिल्क शेक मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंगो मिल्क शेक, मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट. मैं कॉल करके मम्मा के बार बोल रही थी मम्मा मैंगो मिल्क शेक है, अदरवाइज आज नॉन वेज नहीं है, वेज है. ठीक है. दिस इज राइस. ये राइस है एंड ये एक और मेरा सिपर जिसमें एक जस्ट ऐसे ही नॉर्मल पानी रहता है जस्ट होम का. सो फॉर समर क्योंकि इतनी गर्मी रहती है हम लोग यू नो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए मम्मा इसमें पानी एंड नींबू थोड़ा डाल के लेके आती है ताकि यू नो बहुत फ्रेश लगता है. ओ वाओ पापा लेकर आए. ये सो ये मेरी फेवरेट बिस्किट है एंड इसमें वेनीला फ्लेवर एंड चॉको दोनों मेरे को बहुत पसंद है. एंड व्हाट एल्स, एप्पल है, सेहत का राज. टू मेनी फ्रूट्स, हम बहुत फ्रूट्स खाते हैं लाइक टू मेनी. के लिए थोड़ा सा मिठाई लाए हैं. हाँ मम्मा का आई रियली लाइक मम्मा क्या करती है, मतलब मम्मा हर दिन एटलीस्ट शील ट्राई की कुछ ना कुछ शील गेट फॉर एवरीबडी, यू नो स्वीट्स हुआ, कभी कभी शी गेट्स नॉन वेज फूड ऑल्सो फॉर एवरीबडी, लाइक शी गॉट प्रॉन्स येस्टरडे. सो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब लोग शेयर करके खाते हैं. दिस इज़ डाइट भेल, वो जैसे शाम को भूख लगती ना बहुत. पापा सरप्राइज. पापा में ना ये बहुत अच्छा लगता है, पापा कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहते हैं. ओ वाओ ये दिस इज अ सीक्रेट दैट आई एम शेयरिंग विथ टेली टॉक. मेरा सीक्रेट ये है, सबके लिए है पर मेरा भी है. हाँ सो मेरा सीक्रेट ये था. ओ माय गॉड जलेबी. सो हाँ तो मेरा, मैं आई एम अ बंगाली, प्रॉपर बंगाली एंड आप देख सकते हैं कि ये जलेबी है, फिर ये है ढोकला, है ना. तो मैं बंगाली हूँ पर मुझे गुजराती फूड का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मेरे को ढोकला बहुत पसंद है, खान भी बहुत अच्छी लगती है, जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड पापा नोज. तो पापा ऐसे सरप्राइज हर दिन कुछ ना कुछ पापा ऐसे लेकर आते हैं. तो आज शाम को मैं डायरेक्टर सो मैं जो एडीज हैं सब मिलके हम लोग ये खाएंगे शाम को. नहीं द थिंग इज मैं डाइट नहीं फॉलो करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सबके मैं क्यों झूठ बोलूँ कि अरे आई डाइट एनीथिंग, आई डोंट. मैं बट क्या करते कि दोपहर का खाना, एक तो हम लोग घर का खाना खाते हैं दोपहर का, स्पेशली डिनर भी वी ट्राई कि हम लोग घर का ही खाएं एंड शाम को बस थोड़ा होता है कि बाहर का खाना पड़ता है क्योंकि यू नो जैसे जलेबी हुई आई है. बट वॉट एवर आई ईट आई एक्सरसाइज डेली, रेगुलरली आई एक्सरसाइज. आई डोंट गो टू द जिम बिकॉज आई एम टू यंग, मैं 16 साल की हूँ और मेरे को जिम जाने का उतना डॉक्टर डज नॉट रियली एडवाइज मी टू गो. हाँ वो बोलते हैं कि 18 के बाद ही यू शुड गो. इट्स प्रॉब्ली सम पीपल थिंक इट्स राइट टू गो ना, सम वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का वो ओपिनियन होता है. आई डोंट वॉन्ट गो बिफोर 18. तो घर पर आई डू योगा, आई एक्सरसाइज, आई गो डाउन साइकिल के लिए, बैडमिंटन. सो दैट्स वाई आई एम लाइक दिस. इनको पसंद है वेज में पालक पनीर और नॉन वेज में घर का प्रॉन्स. प्रॉन्स में इतना फेवरेट है, मतलब एक तो प्रॉन्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का एंड पालक पनीर जैसे मम्मी ने कहा वेजिटेरियन में. एंड अगर आप बाहर का बोलो तो आई लव बिरयानी. बिरयानी तो मतलब आई कैन हैव 365 डेज, आई मीन इतना अच्छा लगता है मुझे. सो या अरे वाह संदेश है. अरे मिठाई तो ऐसी चीज़ है, मतलब मिठाई इज़ लाइक ऑल काइंड ऑफ मिठाई. रसगुल्ला अच्छा लगता है, संदेश बहुत अच्छा लगता है.
हाँ मेरे को मम्मा के हाथ का दाल चावल एवरीथिंग आई लाइक मम्मा के हाथ का सब कुछ मेरे को पसंद है. एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे को पसंद नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चाय बना सकती हूँ बहुत अच्छी कॉफ़ी. मम्मी को मैं चाय बना के देती हूँ कॉफ़ी भी है ना कॉफ़ी भी बना के देती हूँ मैगी. हाँ आपको जो खाना है आपको जो पसंद है आप प्लीज़ खाइए क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी. यू नो फिट तो रहना बहुत ज़रूरी है बट सबसे पहले इट्स हैप्पी. आप जितना खुश रहोगे उतना ही आपकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी मेंटल हेल्थ. सेकेंडली फिजिकल हेल्थ जस्ट एक्सरसाइज एवरी डे और आप ठीक रहोगे दैट्स ऑल.